दोस्तों लाइफ में कई सारी अनसर्टन चीज़ें होती हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, जहाँ पर आपको पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड मैंने भी वो रिस्क लिया द रायकर केस देख करके। हाल ही में असुर देखने के बाद वूट से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई थी, तो सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई दिया जाए, हो सकता है कुछ अच्छा हो, बट टर्न आउट वर्थलेस एक्सपीरियंस। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ द रायकर केस, जो कि वूट पर अवेलेबल है। What was my experience? तरुण ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। So the thing is like this, कि मैंने इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था, एंड आई जस्ट गेव इट अ शॉट कि देखते हैं कैसा होता है, कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। मैंने इंडिया में कुछ देखी हैं, कुछ फिल्में देखी हुई हैं मर्डर मिस्ट्रीज रिलेटेड, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, बट देखी हैं इतना तो पता है। एंड आई कैन बी वेरी श्योर कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री से। सो द थिंग इज कि जब शो स्टार्ट होता है, पहला एपिसोड देखने के बाद यू आर लाइक हुक्ड, कि आपको लगता है कि नहीं, यू आर वॉचिंग समथिंग गुड। आपको जो है शर्लॉक होम्स और एलिमेंट्री वाली एक्सपेक्टेशंस आती हैं, बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है आपकी एक्सपेक्टेशन गिरती जाती हैं, एंड यू रियलाइज़ कि यू आर ट्रैप्ड, कुछ है ही नहीं इनके पास अच्छा दिखाने को। सो अगर मैं स्टोरी लाइन की या प्लॉट की बात करूँ, तो थिंग इज़ कि शो जब शुरू होता है तो देयर इज़ अ सुसाइड बट टर्न आउट टू बी मर्डर। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, एंड देर इज़ दिस कॉप जो कि काइंड ऑफ फिल्मी या वेरी फिल्मी कॉप, जो कि काइंड ऑफ अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस है, वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता है, बट धीरे धीरे टर्न आउट टू बी कि दिस कॉप इज स्लीपिंग विद द कज़िन ऑफ जिसका मर्डर हुआ है या डेथ हुई है, जो भी है, ठीक है। इट्स नॉट अ डेथ, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, दैट्स वाई द शो इज़ द रायकर केस। एंड जिसका मर्डर हुआ है उसकी फैमिली बहुत वियर्ड है। स्टोरी में आपको रियलाइज होता है कि जिस बंदे का मर्डर हुआ है दे आर रिच, या पहली बात तो यह है पैसों को लेकर के हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स अमीर लोग हैं तो पैसों की बात तो आएगी। देन उसके डैड का एंड उसकी एल्डर सिस्टर का 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, टर्न आउट टू बी नॉट अ रोड एक्सीडेंट, इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। एंड देन उसकी जो मॉम है उसका अफेयर चल रहा है उसके डैड के भाई के साथ, यानी कि उसके अंकल के साथ। एंड देन उसके अंकल का एक बेटा है जो कि नहीं बताऊंगा क्या है, बट स्टिल उसको अपने बेटे से ट्रस्ट नहीं है। उसकी एक बेटी है जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और जिस बंदे का मर्डर हुआ है इसको भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उसकी बेटी के साथ, मतलब उसकी कज़िन के साथ एक्चुअली। तो यहाँ पर उसने जो है मर्डर से पहले या सुसाइड से पहले 12 मिस कॉल्स दिए थे। एंड दिस गर्ल, उसकी जो कज़िन है उसका नाम है इताशा, या दिस इज़ द मेन कैरेक्टर, एंड दिस इज़ द गर्ल जिसके साथ दैट कॉप वॉज स्लीपिंग। और हैपन्स टू बी कि दिस इज़ द मेन लीड रोल काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एंड दिस कॉप इज इन लीड, ये दो लोग हैं। धीरे धीरे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, यू रियलाइज़ कि ये जो शो है ये इतना लंबा है नहीं जितना लंबा बनाया गया है। 4-4.5 एपिसोड का मुश्किल से कॉन्टेंट था इनके पास, बट हाँ, जो कि मर्डर मिस्ट्री है जिससे शुरुआत होती है 4-5 एपिसोड में, शो के हाफ में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आधे शो के बाद एक अलग ही स्टोरी लाइन चल रही है, ये कुछ और ही बन जाता है मर्डर मिस्ट्री से हट करके। फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस निकल करके आते हैं इस बंदे के जिसके ऊपर फर्स्ट जो है शक जा रहा है मर्डर का, बट हाल ही में धीरे धीरे स्टोरी के हिसाब से उसके ऊपर से शक हट जाता है, बट उस बंदे के पॉलिटिकल कनेक्शन है। देन दिस शो बिकम्स अबाउट दीज पॉलिटिकल लीडर्स, करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स जो कि हैपन्स टू बी गैंगस्टर्स, तो उनके ऊपर चला जाता है पूरा शो, और फिर उनसे रिलेटेड स्टोरी आने लगती है। सो द थिंग इज कि मिड ऑफ द शो आप रियलाइज़ करोगे कि इट्स वर्थलेस, आप देखना कुछ और चाह रहे थे, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। एंड देन देर इज मेलो ड्रामा, इमोशनल, इंडियन स्टाइल टिपिकल, मतलब इट हैपन्स टू बी अ हेडेक, मेरे से झेला नहीं जा रहा था, बट स्टिल आई वॉच्ड इट क्योंकि नया है और मुझे ये वीडियो बनानी थी, सो दैट्स व्हाई आई वॉच्ड इट। अगर आपसे मैं कहूँ तो देखो, इट्स नॉट अ बैड शो, इट्स नॉट इवन अ गुड शो, डिसेंट, यू कैन वॉच इट, एक्सपेक्टेशन लेकर के मत जाओ कुछ भी, और स्किप कर करके फास्ट फॉरवर्ड कर करके आप देख सकते हो पूरा शो, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। और अगर आपको पता है आपको ड्रामा इमोशन सब कुछ देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल इंडियन शोप्स वाला, वूट का है ऑफकोर्स तो ये सब तो मिलेगा ही, सो दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग, उस तरह की चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हो। हालांकि अगर आपको मर्डर मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो अभी भी आप एक शॉट दे सकते हो, क्योंकि इससे बहुत बेकार चीज़ें हमने देखी हुई हैं, तो नॉट बैड, नॉट इवन गुड। 2 स्टार, 2.5 स्टार बहुत ज़्यादा होंगे अगर मैं इसको रेट करूँगा तो। आई एम नॉट इवन रेटिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रिव्यू, दिस इज़ जस्ट लाइक माई ओपिनियन,
आई एम सजेस्टिंग यू कि यू शुड वेदर यू शुड वॉच और नॉट. सो वो चीज़ है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. दैट वुड गिव मी ए मोटिवेशन. सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ लॉकडाउन में 6 बजे उठ के. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, अगर आप फ्यूचर में ऐसा कॉन्टेंट देखना चाहते हो. दैट्स इट. बाय.